हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि रिसीव हो रही थी, हो रही है। और कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि थॉट ब्लॉक से रिलेटेड तो हैं, वो किस लिए हैं वो भी मैंने आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मतलब कंट्रोल इस तरीके से करके बैठे हैं क्योंकि उनको अभी वो हिम्मत नहीं है कि आप तक वो अपनी बात कह पाएँ। अगर उन्होंने किसी तरीके से आपको इग्नोर किया या रिजेक्शन दी है, कुछ भी कह सकते हो, अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन हो तो अभी तो यूनिवर्स उन्हें बहुत मजबूर कर रहा है कि आप बोलो, लेकिन उनकी वो पावर नहीं मिल पा रही है आप तक पहुंचने की, मतलब कि उनकी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सोलर प्लेक्सस पे काम करना है, ठीक है। क्राइंग एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की और डिवाइन ही क्रिएशन करवा रहे हैं ताकि आप तक पहुँचें वो। जब तक वो तड़फेंगे नहीं तो आप तक कैसे पहुँचेंगे। अगर उन्हें अपने ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम है तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं, या आपने ब्लॉक किया हो तो आपको करवाने के लिए ही यूनिवर्स ने शायद क्रिएशन की है कि कहीं ना कहीं से आपको म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि वो तड़प रहे हैं और आप तक आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जब तक आपको पूरी क्लैरिटी ना मिले, जब तक आपको अनब्लॉक नहीं करना है अगर आपने किया हुआ है तो, ठीक है जी। क्योंकि ये डिवाइन का ऑर्डर है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्रिएशन तब, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक नहीं करना है, उनको लेसन मिलने दो और उनको वो चीज़ क्रिएट करने दो तब कि वो खुद से एफर्ट करें। अगर आप डायरेक्ट ही चले जाओगे, आपको पता लगे कि वो परेशान है और आपने ओपन कर दिया तो फिर उनका एफर्ट फिर करना बनता नहीं है, फिर वो एफर्ट करेंगे नहीं, उन्हें एफर्ट करने दो, ठीक है जी। तो फिलहाल सारा फोकस डिवाइन ने आपकी तरफ कर दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें उनको आपके सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, रास्ते ढूंढ रहे हैं कैसे जाया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। ये बाहर निकलने का मतलब कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं जी, आपके आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके खुद के भी हो सकता है कि यही एडिक्शन की वजह से आपने ब्लॉक कर दिया हो या यही एक रीज़न बन चुका हो आपके ब्लॉकेज का, या बीच में कहूँ सेपरेशन का कारण भी बना हो। कुछ एडिक्शन, कुछ इग्नोरेंस और कुछ रिजेक्शन जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है, किसी के माइंड गेम में आ गए हों, ये भी पॉसिबल है। थर्ड पार्टी अपना प्ले गेम खेलेगी, वो तो आपको पता है ये टाइम ही ऐसा है कि इनको वहाँ पे निकलना है खुद से, तो एडिक्शन से बाहर निकलना हो सकता है, वो चीज़ों से बाहर आना हो सकता है जिसे ये दबा के या ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हुए थे, ठीक है जी। तो फिलहाल यूनिवर्स ने इनका सारा फोकस आपके ऊपर डाल दिया, ये आपके सिवा ने कुछ भी सूझ नहीं रहा है और ये मेहनत करना चाहते हैं आपके लिए। अब शायद आपने किसी तरीके से इनके लिए सब कुछ किया होगा लेकिन उन्होंने एफर्ट नहीं किया था, लेकिन अब आपको अगर डिवाइन ने डिटैच किया है या ब्लॉक करवाया है या आपको बीच में से बिल्कुल ही हटा दिया गया है, दोनों के नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया गया है, तो उसका मतलब है कि ये ओवर थिंकिंग करेंगे और एफर्ट करेंगे किस तरीके से आप तक पहुँचा जाए। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपसे मिलने, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो रास्ता देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए जिस वजह से वो आप तक पहुँचे। बर्डन तो ले रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं कि कैसे जाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है फिलहाल तो, लेकिन डिवाइन इंडिकेशन दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनको समझ आने लगा है और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जो डिवाइन इनको रास्ता देगा ताकि ये एफर्ट करें। अभी तक ये आपके लिए एफर्ट नहीं करते थे लेकिन अब एफर्ट करेंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है इस टाइम। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारे समय इंडिकेशन ऐसे आते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, एक्साइटमेंट की वजह से हमें अपना एनर्जी लीक हो जाती है हमारी, ठीक है जी। क्योंकि डेविल हमारे पर हमेशा नज़र रख के बैठते हैं और यही कारण होता है कि जब उन्हें पता लगता है ना कि यहाँ पे हाई एनर्जी हो रही है और ये हमारी हम इनकी पावर से जी सकते हैं, तो वो हमारी पावर को लीक अगर हमने कर दी तो वो उन्हीं को अपनी पावर बढ़ाते हैं डेविल, इसीलिए नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे डेविल पावर कहाँ से लेते हैं, हमसे ही लेते हैं जब हम अपनी एनर्जी लीक करते हैं या जोर से ज़्यादा एक्साइटमेंट या जोर से ज़्यादा ही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में रहते हैं। वो थोड़ा सा ध्यान रखो, खुश रहो लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करना है कि अब ये हो गया तो अब हमेशा हमेशा के लिए कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अगर कोई ब्लॉकेज है तो रिमूव किए बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा, तो बैलेंस करके चलो हर चीज़ को, ठीक है जी। फिलहाल तो मुझे यही एनर्जी रिसीव हुई है कि आपके पार्टनर कम बैक हो सकते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम ख़त्म हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी जब तक ना मिले, जब तक आपने एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट उन्हें करने देना है ताकि वो आप तक पहुँचे और पॉजिटिव प्योरिटी के साथ पहुँचे।
ठीक है जी, थोड़ा सा अपने आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट और लीकेज अपनी एनर्जी की नहीं करनी है। जितना पेशेंस और साइलेंट रहोगे वो ही आपको काम आएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि डेविल अटैक हो रहे हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल अब तक की थी करंट एनर्जी, फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।